जम्मू के सुंजवा में मिलिट्री कैंप पर हुए शनिवार सुबह आतंकी हमले के बाद जम्मू के साथ साथ कटरा और उधमपुर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले यात्रियों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है और सभी यात्रियों के साजो सामान की भी जाँच हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल पूरी तरह से मुस्तैद है और वाहनों के साथ साथ पैदल चलने वालों पर भी नजर बनाई जा रही है। वहीं हमले के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है और जम्मू कश्मीर विधानसभा से लेकर सड़कों तक हंगामा शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर चमन लाल ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और इस हमले का सीधा जिम्मेदार पीडीपी और बीजेपी वाली गठबंधन सरकार को ठहराया। डॉक्टर चमन लाल के अनुसार मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण ही इस तरह के नतीजों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हमत करते हैं कि ऐसे हमले जो है होने नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है क्योंकि जैसा हमने कहा कि सरकार जो है सरकार हर महाज पर फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। जो है आए दिन जो है मिलिटेंसी जो है कहाँ जो है ग्राफ जो है कहाँ पहुँच चुका है, किस तरह हालात जो हैं ख़राब हो रहे हैं। आज के दिन भी जो है जम्मू में जो है कितना बहुत बड़ा जो है वहाँ पर एक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से जो है कि लोग जो हैं लोग परेशानी के आलम में हैं, लोग जो हैं लोग अमन चाहते हैं, लोग आपस में इकट्ठा रहना चाहते हैं, लेकिन यही जमाते हैं जो लोगों को जो है इकट्ठा होने नहीं देती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारा पहले भी यही था, जो मौजूदा दौर में भी हम यही कहेंगे और आने वाले दौर में भी हमारा एक ही मकसद है, एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर-ए-कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद।